अस्सलाम वालेकुम। ग्लेशियर को एक्सप्लोर करने का हमारा सफ़र जारी है और इस वक्त हम केनिंग आइलैंड पर मौजूद हैं। लास्ट वॉक में मैंने आपको एक हिस्टोरिकल बहुत ही खूबसूरत मस्जिद दिखाई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना बुद्धिज़्म बहुत है, तो आज की एपिसोड के अंदर हम एक आध कोई बुद्धिज़्म टेम्पल एक्सप्लोर करेंगे और आपको देखने को मिलेगी जो बुद्धिज़्म की रिचुअल्स एनवायरनमेंट होता है और उनकी रिचुअल्स कैसी होती हैं, कैसी इबादत करते हैं, उस चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आज के व्लॉग के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। यही गल थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी किसी जगह पर जा रहा हूँ तो उसके साथ यहाँ के जो एक ट्रेडिशनल लोकल लाइफ है, जो एक वाइब्स हैं शहर की, उसको भी कैप्चर करते जाएं। तो अभी भी हम लोग इनकी स्ट्रीट्स के अंदर वॉक कर रहे हैं और मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको ये भी दिखाता जाता हूँ स्ट्रीट व्यू कैसा है और साथ साथ जो बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और पहुँचते हैं आपकी डेस्टिनेशन वहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर यानी पीनिंग के अंदर चाइनीज़ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद है और यहाँ की जो लोकल आबादी है उसका तकरीबन 35% जो है वो चाइनीज़ आबादी पर मुश्तमिल है। और अभी हम जिस मंदिर के अंदर जा रहे हैं ये भी बेसिकली चाइनीज़ कम्युनिटी का ही एक मंदिर है। फूल बता रहे हैं कि हम जो है ना मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं हूं यहां पर, एक बुद्ध टेंपल है जिसका नाम है क्यून यिन टेंपल। बुद्धिज़्म का जो टेंपल्स का कल्चर होता है वो थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद मज़ीद यहां पे जो टूरिज़्म अट्रैक्शन है उनको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, ये मंदिर तामीर किया गया था 1728 के अंदर, यानी कि ये काफ़ी पुराना मंदिर है और इसका नाम है गॉडेस ऑफ मर्सी, यानी कि आप कह लें कि रहमत की देवी। तो क्योंकि बुद्धिज़्म के अंदर भी ये देवी देवताओं का कंसेप्ट है तो शी इज़ वन ऑफ देम, जिसके नाम पर ये मंदिर बनाया गया। और इसके सामने एक ये दरख्त अगर आप देखें तो इस दरख्त के बारे में बताया गया है कि ये तकरीबन 800 साल से ज़्यादा पुराना दरख्त है। ये सारे यहाँ पर उन्होंने धुएँ जलाए हुए हैं, पता नहीं ये क्योंकि ट्रेडिशनल है। अगर आप देखें तो ये लोग कहते हैं इसके ऊपर कुछ नोट डाउन है और इसको यहाँ पर जलाया गया, धुएँ उठ रहे हैं। और यहाँ पर ये कुछ दिए चेक करें। ये सारी यहाँ पे जो रिचुअल्स हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर ये सारी वो जो जला रहे थे वहाँ पर वो यहाँ पर बिक रही हैं और डिफरेंट चीज़ें जो ये दिए वगैरह बनाए हुए हैं मोम के, और मतलब ये शॉप्स हैं बेसिकली। अगरबत्तियाँ, ये क्या है कि लोग आते हैं यहाँ पे लगाते हैं, जलाते हैं, फिर उनकी जगह खाली करके तो खा लेते हैं और दूसरे लोग अपने लगा सकते हैं। यहाँ पर ये सारी रिचुअल्स हो रही हैं इनकी। थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अंदर देखता हूँ।
वर्शिप प्लेस बनी हुई है, हम घुटने टेक के अपने रिचुअल्स करते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स और फूल वगैरह जो है ना यहाँ पे नजराने के तौर पर जो है यहाँ पे रखे गए। थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, यहाँ पर कुछ और भी हैं आगे जगह। एक स्टैचू यहाँ पर है और ऊपर भी एक पेंटिंग टाइप बना हुआ है और यहाँ पे भी ये लोगों ने नजर आने के लिए कई चीज़ें पेश की हुई हैं। बस देखिए यहाँ पर बहुत खूबसूरत मंजर है। ये देखें कितने चिराग जल रहे हैं एक ईको में। यहाँ पर अगेन डिफरेंट रिचुअल्स हो रही हैं, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें पेश की गई हैं। अगर आप देखें तो ये मिठाई हैं या कोई, हाँ मिठाई है और साथ फ्रूट्स हैं, ये किन्नू वगैरह पड़े हुए हैं और ये आई गेस कि ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं। डोंट नो कि इसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ है या क्या है। मेन वर्शिप प्लेस है, इसके भी अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमें शूज़ उतारने पड़ेंगे, पीछे सारे जो हैं हर सारे लोग जो हैं शूज़ पहन कर जा रहे हैं। चाइनीज स्टाइल में जो स्टैचूज हैं अभी यहाँ पे भी रिचुअल्स हो रही हैं। अच्छा, टेंपल का जो प्रेयर एरिया है इससे पीछे एक और छोटा सा बड़ा ट्रेडिशनल टाइप का ना गार्डन बनाया गया, इसको भी देख लेते हैं।